हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में. और गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ. तो गाइज, आज ना मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ब्रेकफास्ट बनाने से हो रही है. तो मैं बना रही हूँ पनीर परांठा. तो मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि कैसे बनाते हैं. तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी पनीर परांठा कैसे बनाते हैं, तो मैंने उससे थोड़ा बहुत सीखा हुआ है. आटा तो मेरे पास बचा हुआ, वो हमने कल का गूंद दिया था. तो अभी मैं स्टफिंग करूँगी पनीर की, तो वो बनाती हूँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं. सबसे पहले ना मैं पनीर को कद्दूकश करूँगी. तो यहाँ पर थोड़ा कैमरा सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम आ गई गाइस मुझे इसमें. तो पहले मैं इसको करूँगी कद्दूकश. और इतना सा बच चुका है, और भी बचा हुआ मैंने साइड रखा हुआ है. तो मैंने दो ही परांठे बनाने हैं मैंने, तो मैंने ये कर दिया है. अब डालूंगी गाइस मैं प्याज इसमें. और एक डालूंगी मिर्च, और मैं इसको करूंगी चॉपर में ग्राइंड. नहीं डालती ज्यादा लग गया. और ये मस्त हो चुका है गाइस बढ़िया से. और मिर्च भी लगी है गाइस, डाला जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा भी डाला जाएगा गाइस इसमें. ये डाला मैंने धनिया का पाउडर, और इसको करूंगी मैं मिक्स. और हरा धनिया तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि हरा धनिया से बहुत अच्छा बनता है वैसे. तो मेरे पास यही है, मैं इसी से काम चलाऊंगी. और ये हो चुका है मेरी स्टफिंग तैयार. और ये मैं फर्स्ट परांठा बना रही हूँ, और इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी. ये है रिफाइंड तेल, इसको यूज करूंगी मैं इसमें. और देखो हमारे परांठे रेडी हो जाए. तो गाइस मेरा परांठा कैसे पक चुका है, फट भी सकता है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से हवा बाहर निकल रही है गाइस. मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है, और इधर परांठे भी तैयार हो चुके हैं. अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट. मैं बोलने वाली थी गाइस डिनर. विंडो में देखो कितनी ओस है, बहुत ज्यादा है, और बाहर ना बारिश हो रही है. और इधर देखो क्या हाल हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा अभी बाहर. और अभी ना धूप लगी हुई है बाहर, देखो मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है. इधर को तो बादल है ना, इधर को साफ हो रहा है. ये है बाहर का व्यू. और मैंने इधर लगाया हुआ है पानी, थोड़े कपड़े धो देती हूँ तो सूख भी जाएंगे, नहीं तो आज ऐसे ही है. नहीं सुबह से लेकर कल भी कंटिन्यू बारिश, तो मैंने सोचा मैं धो देती हूँ. तो गाइस
मेरी फ्रेंड आके मुझे ऐसा बोल रही है कि चाय पीने परे आ जाओ। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी परे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ अपनी फ्रेंड्स को। वैसे आपने देखी तो होगी, मिले तो हो गए आप पहले मेरे व्लॉग में, तो मैं अभी आपको ले चलती हूँ वहां पर। गाइज गौर से देखो, ये है मेरी फ्रेंड। गाइज ये भी शर्मा रहे हैं, आप जानते ही हो गए, मन्नत शर्मा व्लॉग्स, मन्नत भी व्लॉग बनाती है। आप इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। और अभी बन रही है चाय, चाय देखो गाइज। रूम पहुंच रही हूँ परे से, फ्रेंड के रूम से, और वो लोग भी डिनर की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने भी सोचा मैं भी कर देती हूँ, तो बनाऊंगी तो थोड़ी देर बाद है। फिर हमने बनाना है वैसे पनीर, तो मैं पनीर वगैरह कट करके रखती हूँ, बाकी प्याज टमाटर वगैरह जो जो भी है वो मैं करके रखती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं 8 बजे के आसपास डिनर। तो चलो गाइस कट करते हैं। तो गाइस पनीर ना हमारे को थोड़ा ज़्यादा भेजा था घर से, तो इतना तो कहाँ खा सकते हैं, तो हमने थोड़ा सुबह परांठे बना दिए और अभी भी इतना है, तो फिर हम इसको मैं कट करती हूँ। पनीर कट हो चुका है और प्याज भी कट कर दिया है मैंने गाइस। अब हम बनाएंगे 8 बजे। और गाइस अभी ना मैंने डिनर बनाना है, तो मैं आज के ब्लॉग को ना यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि शिमला में आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो शाम को तो चलता ही नहीं है। तो मैं अभी ये व्लॉग एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।